के लिए। क्या हुआ, क्या हुआ भाई, कैसे है, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? था मैं सोच रहा था ये पलटी ना हो जाए, और ये पलटी हो गई। वेरी सैड टू सी दिस बॉयज़। मुझे दो बाइकर मिले थे, विश्वजीत और आपका नाम क्या बताया, संजय। ये लोग भी वाराणसी जा रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं, थैंक यू। हाँ, एकदम। हेलो बॉयज़, कैसे हैं सब? बढ़िया बॉयज़। अभी मैं निकला हूँ अपनी लॉन्ग राइड में, लगभग 3,500 किलोमीटर की राइड है। और अभी मैं सिर्फ अयोध्या का मैंने प्लान किया है, और मैं अभी पूरा श्योर नहीं हूँ कि मैं नेपाल जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ इतने सारे लगेज के साथ। आप देख सकते हैं मैंने राइनोक्स का 2 लगेज खरीदा है, और मेरे पास एक बैग भी है, पिट्ठू बैग। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बाइक चलाने में, तो आई एम नॉट श्योर डेट मैं नेपाल की ट्रिप करूँगा कि नहीं करूँगा, बट मैं अपने साथ पूरा लगेज लेके जा रहा हूँ। सो मज़े का ब्लॉग होगा, एंड तक ज़रूर देखें। बाकी की बातें करते हैं राइड पे। द लंच, अभी मैं चकदरपुर में हूँ, यहाँ से घाटी स्टार्ट होगी। सो अभी घाटी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, जो रोड है इस तरह से जिगजैग रोड है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पे बाइक चलाने में। और मैं घर से निकला था 10 बजे, और मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था अपने बैग से, लगेज से, बिकॉज़ मैंने कभी भी इतने सारे लगेज के साथ बाइक राइड नहीं की है, तो थोड़ा सा समझने में समय लगता है। ओके, तो अभी मैं एक बैग अपने दोस्त के घर में छोड़ दूंगा। तो मैंने नौमुंडी से निकला था, मैंने जगन्नाथपुर पार किया, चाइबसा पार किया, अभी मैं चकदरपुर में हमने अपना लंच किया, और फिर उसके बाद हम जा रहे हैं रामगढ़। ओके, और ये रामगढ़ में कांड्रा होके भी जा सकता हूँ। पहले वाले आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वो 2 बार मैं कांड्रा होके गया हूँ, लेकिन इस बार मैं चकदरपुर घाटी होते हुए जा रहा हूँ। उस घाटी का नाम है खूटी। ओके, हमने पहाड़ देख रहे हैं, कुछ देर बाद हम इस पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं, और इस घाटी का नाम है खूटी। जो रोड होगा वो जिगजैग होगा, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रोड है जी, बट मज़ा आएगा, आराम आराम से बाइक चलाएंगे। ये घाटी का स्टार्टिंग पॉइंट है, आप देखें। मैं बहुत बार आया हूँ, बट मैं फैमिली के साथ आता था, उस समय मैं कार पे रहता हूँ, बट मैं इस बार सोलो ट्रिप अकेले आ रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, आप देखें जी। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मन था अयोध्या जाने का, नेपाल जाने का, बट एक तरह से थोड़ा सा डर लग रहा था, डर ही बोलेंगे, बिकॉज़ काफ़ी लंबी राइड है, और अकेले सोलो राइड थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मैं सोच रहा था, सबको फ़ोन कर रहा था, दोस्त यार को फ़ोन कर रहा था कि कोई मेरे साथ चले, कोई भी रेडी नहीं हुआ। एंड फाइनली मैंने अपने डर को अलग किया, और मैं निकल गया अपने पहले सोलो ट्रिप अयोध्या नेपाल के लिए। ओके, तो मेरा ना फिक्स नहीं है कि मैं नेपाल जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, बट इतना मेरा फिक्स है कि मैं अयोध्या ज़रूर जाऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल रामगढ़ में रुकूंगा अपने दोस्त के घर, फिर वहां से नेक्स्ट डे मैं वाराणसी जाऊंगा। वाराणसी में 2-3 दिन रुकेंगे, वहां के चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, और फिर जाके हम वहां से अयोध्या निकलेंगे, और हो सके तो अयोध्या से नेपाल निकलेंगे। ओके, सो बॉयज़ मज़े का ब्लॉग होगा, काफ़ी ज़रूरत है आपकी हेल्प की। अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, सो मोनेटाइज हो जाता, कुछ पैसे आने लगते, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। ये देखिए आप, कितना ख़तरनाक रोड है, और ये जो घाटी है ये 40 किलोमीटर की घाटी है, 40 किलोमीटर। सुनने में तो आराम लग रहा होगा, यूँ ही कवर कर लेंगे, बट ये स्ट्रेट रोड नहीं है जी, जिगजैग रोड है। अब देखें नीचे में पूरा पहाड़ी दिख रहा है, जय बाबा भोलेनाथ। और यहाँ पे और एक दिक्कत है जी, इस बार मैंने राइडिंग शूज़ पहना हुआ है, और जो राइडिंग शूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो बार बार मेरा पाँव जो शूज़ है वो गियर में अटक जा रहा है। वाह, वो इज़ ब्यूटीफुल, ये देखिए कितना ज़्यादा खाई है। यहाँ पे एक गाड़ी ख़राब हो गया, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बन गया है। जब हम कार में आते थे तो इस रोड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और लोग इस रोड से आने से डरते थे, तो वो अपना अल्टरनेट चुनते थे, और वो लोग कांड्रा रोड से आते हैं। इवन अभी भी लोग रात में इस रोड से सफ़र नहीं करते, अगर रात हो जाता है तो वो कांड्रा रोड प्रीफेयर करते हैं।
के बैक टायर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मैंने सुबह ही दिखाया था, अभी इसकी फिर से हवा कम हो गई है। अभी मैं पंचर शॉप ढूंढता हूँ कहीं, ऐसे मेरे पास पंचर किट है और मेरे पास टायर इन्फ्लेटर भी है, यह मिला है बट यहाँ पे कोई है नहीं। देखते हैं जी, देखिए टायर का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मेन दिक्कत है कि इसमें डबल स्टैंड नहीं है, है कि नहीं। तो अभी टायर चेक करते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ये अयोध्या नेपाल ट्रिप में यहाँ पे ऑलरेडी एक पंचर था और पंचर से ही हवा निकलने लगा, तो उसमें हम और दो मार रहे हैं। देखते हैं जी क्या होता है, कहीं मुझे टायर ना बदलना पड़े। एक दिक्कत हो गई है, मेरी बाइक सिर्फ एक महीने ही पुरानी बाइक है और इसके टायर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जहाँ पे मेरा पहले जो पंचर था वो सामने सामने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे दो पंचर था, तो वहाँ से एयर आ रहा था और उस दो पंचर में और दो पंचर लग गया। तो कहीं मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी टायर ना बदलनी पड़े, बिकॉज मेटजेलर की टायर है जी, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली टायर है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कॉस्टली है, 26,000 की जोड़ी आती है। अगर आप सिंगल टायर लोगे तो 15,000 रुपये आपको पड़ेगा। राइड कभी नहीं करना चाहिए। देखिए जी, पहली बार मैंने इतना लगेज बांधा, लगभग मेरे पास 3 लगेज है, तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और आज बाइक की टायर भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही है जी, धोखा दे रही है। मात्र 100 किलोमीटर बच गया है। अब प्लान तो मेरा था आज ही मैं वाराणसी तक जाऊँ, बट कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे रामगढ़ ही रुकना पड़ेगा। तंग कर रहा है, देखिए फिर से ये इधर आ गया, अब इसे सही करते हैं। 240 किलोमीटर कवर करने में, मैं बोधगया से निकला था, 500 किलोमीटर 7 घंटे में मैंने कवर कर लिया था। आज हो क्या गया है मुझे समझ नहीं आ रहा। ऊपर से अभी भाई का फोन आ गया था, ओटीपी, उसने 20 मिनट वेस्ट कर दिया। मैप यूज़ करता था बट इस बार मैं इंडिया का अपना मैपल मैप यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए जी कितना अच्छा बता रहा है, 800 मीटर बाद आपको इस तरीके का रोड मिलेगा। तो ये फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गूगल मैप में आपको ये सारी चीज़ नहीं पता चलता है। अगर कोई फ्लाई ओवर भी है तो उसकी एक इमेज बन जाती है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जी मुझे ये मैपल मैप। रांची, अर्लियर जो मैंने आपको बोला था वो गलत था, ये है जी रांची। यहाँ से आप देख सकते हैं हवाई अड्डा, मुरादाबाद, विरसा चौक, स्टेडियम, नामकुम, सारे चीज़ें। थक गया हूँ, इतना कभी नहीं थकता था। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं, इतना ज़्यादा कभी नहीं थकता था। मैंने जी अराउंड 500 किलोमीटर की राइड की थी बोध गया से अपने घर तक, नौमुंडी तक, बट मैं नहीं थका। आज पता नहीं क्या हो गया, बाइक साथ नहीं दे रही है, टायर इसकी बार बार पंचर हो जा रही है। तो अभी और 50 किलोमीटर रह गया है और कल फिर हम वापस वाराणसी जाएंगे। यहाँ पे डाब और मौसमी का जूस पीते हैं और फिर वापस निकलते हैं रामगढ़ की तरफ। बॉयस बाइक देखें, बाइक थोड़ी भी गंदी नहीं हुई है। अभी फ़िलहाल मैं रोड के कोने में बैठ के डाबर मौसमी का जूस पी रहा हूँ। नारियल पानी मैंने पिया तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखे जी मैपल कितना अच्छा मैप बता रहा है। और देखे जी रांची भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन सिटी है, नीट एंड क्लीन सिटी। तो हमें यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा और होपफुली इतनी लंबी राइड के बाद मुझे जाके मिलेगी 4-लेन हाईवे। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया यार, वही ज़्यादा अच्छा था। आगे से हमें यू टर्न लेना है। काम चल रहा है, बहुत कुछ चेंज हो गया है, अभी भी काम चल ही रहा है। दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो कल मैं रामगढ़ में रुक गया था बिकॉज़ इतने ज़्यादा लगेज हो गई थी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था इतने सारे लगेज के साथ।
आज मैं वापस निकला हूँ वाराणसी, फिर वहाँ से हम अयोध्या जाएंगे। ओके, पहले साइड में गाड़ी रोक के चेक कर लेते हैं कि मेरी बैटरी सही है कि नहीं, डेट एंड टाइम सही है कि नहीं। अभी मैं रामगढ़ में हूँ और 8:40 हो रहे हैं। तो अभी मैंने अपना गोप्रो का डेट एंड टाइम सही कर रहा था। होता क्या है जी, हमेशा गोप्रो की जब आप बैटरी हटाते हो तो आपको डेट एंड टाइम इसकी सही करने पड़ती है, वरना ये ऊटपटांग रिकॉर्डिंग करने लगता है। तो अभी सबसे पहले जी रामगढ़ के ट्रैफिक पार कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। कल रात मैं यहीं रामगढ़ में रुक गया था बिकॉज लगेज काफ़ी ज़्यादा था। अभी मैंने काफ़ी लगेज कम कर दिया है, मैंने अपने दोस्त नीरज को दे दिया और उसने बोला है कि वो इस लगेज को DTDC से कुरियर कर देगा मेरे घर तक को। तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है बाइक चलाने में, कल तो ऐसा लग रहा था मैं मर ही जाऊँगा इतने सारे लगेज लेके। सो जी रामगढ़ की ट्रैफिक पार करते हैं, फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे हजारीबाग, चंपारण, डिहरी, ओनसन होते हुए हम वाराणसी पहुँचेंगे। अराइवल टाइम दिख रहा है 4:12। ओके, टोटल 372 किलोमीटर की जर्नी है। बस जा रहा हूँ अपने दोस्त नीरज के घर, बिकॉज जो मेरी नी गार्ड है मैंने वहीं पे छोड़ दी है, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कुछ खाली खाली महसूस हो रहा था, मैंने कुछ पहना नहीं है। मैं ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने नी गार्ड ले ली है। ये देखिए जी, ये मैं भूल गया था, इतने दूर से वापस आना पड़ा मुझे। मुझे 4-lane हाईवे मिल गई है। इस रोड में मैं पहले भी आ चुका हूँ, जब मैं बिहार ट्रिप पे था और जब मैं अपने नानी के घर अकबरपुर रोहतास जा रहा था और मेरी फर्स्ट राइड थी GT रोड में। वापस से जी मेरा प्लान बना अयोध्या जाने का, प्रभु श्री राम के दर्शन करने का। तो मैं वापस GT रोड पर ट्रेवल करते हुए जा रहा हूँ, डेहरी ओनसन होते हुए वाराणसी निकलूँगा। अराउंड अबाउट 372 किलोमीटर की जर्नी है, होपफुली भगवान की कृपा से जल्दी ही कवर कर लूँगा। यहाँ से अभी पहले हम हजारीबाग पहुँचेंगे, चंपारण पहुँचेंगे, फिर हम बिहार घुसेंगे। तो जो मैं पेट्रोल है वो मैं झारखंड से ही भर लूँगा, बिकॉज बिहार में पेट्रोल की रेट 8 रुपये ज़्यादा है, 108 रुपये। झारखंड में पेट्रोल की जो रेट है वो 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है। बस थोड़ा और सुबह में निकलता तो मेरे को रोड काफ़ी ज़्यादा खाली मिलता, बट थोड़ी सी देर हो गई बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था कल। मुझे तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा थकावट और नींद आ रही थी। ओ नो, थोड़ा एक बार रुक के मैं अपना बैग चेक कर लूँगा, कोई पेट्रोल पंप में रुकते हैं चेक करते हैं। वह पावर वाला पेट्रोल नहीं है, पावर पेट्रोल XP95। टैंक फुल करिए, टैंक फुल तो ले दीजिए ना। कितना गया? 10.63 liter। वाले भाई ने मैं पेट्रोल डाला, इन्होंने तुरंत हटा दिया और ये बोल रहे 1200 बिल बना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 1000 देखा है। तो अभी जो ऑफिस जा रहे हैं देखने के लिए कितने का बिल बना है। जी वो इस हिसाब मिल गया, जो पेट्रोल इन्होंने डाला था वो 1273 का डाला था। पता नहीं मुझसे ही कुछ गलती होगी देखने में। देखिए जी कितना नीट एंड क्लीन है, साइट देखिए कितना अच्छा इन लोगों ने पौधे को लगाया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। मोड पे लगभग 500 किलोमीटर चलाने के बाद और बाइक अभी पूरा भाग रही है।
बॉयज़ आई थिंक हम जीटी रोड घुस चुके हैं। जीटी रोड की जी मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी, जीटी रोड जो है काबुल से लेके बांग्लादेश तक को जोड़ता है और ये काफ़ी पुरानी रोड है। 4 लेन नहीं, इसे 6 लेन हाईवे बोल सकते हैं। 1, 2, 3 और उधर 3 साइड 6 लेन हाईवे है जीटी रोड, द ग्रैंड ट्रंक रोड। सुबह का ब्रेकफास्ट अभी करते हैं, मैंने सुबह से बनाना। सो बॉयज आफ्टर 120 किलोमीटर अभी मैंने एक ब्रेक लिया है। अभी मैंने आलू पराठा मंगाया है जी और पनीर पकोड़ा अभी आ रहा है। लगभग मैं हजारीबाग से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया हूँ और अभी मैं जीटी रोड में ट्रेवल कर रहा हूँ। ये देखिए जी बाइक यहाँ पे खड़ी है, सामने मैंने खड़ा कर दिया ताकि मुझे वहाँ से क्लियर व्यू दिखे। सो यहाँ से जो वाराणसी रह गया है 250 किलोमीटर, फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से अयोध्या। अभी नाश्ता करते हैं। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू। थैंक यू। हाँ एकदम। पावर पेट्रोल रखते हैं क्या? है ना, बेफिक्र होके लाइफ एंजॉय करे, घूमे फिरे, वो नहीं हो पाता है। मेरे दिमाग में चलते रहता है भाई आज इतने का पेट्रोल लग गया, इतने पैसे खर्च हो गए। तो मेरा फर्स्ट गोल है फाइनेंशियली फ्री होना, उसके बाद मैं जितना मन चाहे उतना घूमते रहूँ। तो मेरा ही नहीं सबका लाइफ में यही एक गोल होना चाहिए। क्रॉस गया, पिछले बार मैं गया से घर गया था, बोध गया से ओके अपने घर गया था। मात्र 6-6.5 घंटे में मैंने कवर कर लिया था 500 किलोमीटर। रास्ता भटक गया था, 430 किलोमीटर की जर्नी थी बट 500 पड़ गया। बॉयज आपका भाई तो फंस गया। ये क्या है, क्या है ये धूल धूल। थोड़ा सा रुक जाते हैं। ओ नो, क्या ऊपर से जैकेट इतनी गंदी हो जाती है, ऊपर से ये नज़ारा। ब्रेक लेते हैं, लस्सी वगैरह पीते हैं। मात्र 160 किलोमीटर और बचा है वाराणसी, एक छोटा सा ब्रेक। गाड़ी कैसा है चाचा? और आप क्या बोल रहे थे कि चार चक्का ले लेना चाहिए? आप क्या बोल रहे थे चार चक्का ले लेना चाहिए? हाँ तो आप बोल रहे थे ना चार चक्का ले लेता इससे अच्छा। ठीक है चलिए चलते हैं। ठीक है चाचा बाय। ओके बॉस कांटेक्ट में रहना। भाई ये तो लगा ही नहीं, थोड़ा ख़राब है वहाँ नहीं तो मेरे को भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं शायद नेपाल का ट्रिप कैंसिल कर रहा हूँ। राइडर्स वो लोग आसनसोल से आ रहे थे तो उनसे थोड़ा बात बात हुआ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि नेपाल का रोड काफ़ी टफ है। उन लोगों ने हाल फिलहाल में कोई ब्लॉग देखा था। ओ जी देखिए जी टफ का बात नहीं है, अगर आप ग्रुप में रहते हैं ना तो चल जाता है, थोड़ा अकेले थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे भी, तो मैं नेपाल का प्लान कैंसिल कर रहा हूँ। ड्रीम राइड थी, ड्रीम राइड।
और ये मैं सोलो ट्रिप कर रहा हूँ, सोलो अकेले, मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला, कोई तैयार नहीं, सो मैं आई डिसाइडेड टू गो एलोन। और जी आपको मैं बता नहीं सकता मैंने कितनी हिम्मत जोड़ी है, अपने आप को कितना दिलासा दिया, हिम्मत दिया, चलो चलो चलो, मैं घर से निकल ही नहीं सक रहा था। तो कीप सपोर्टिंग, जस्ट 117 किलोमीटर रह गया है वाराणसी का। ये वाला जो ट्रक, इसको मैंने अभी देखा था, मैं सोच रहा था ये पलटी ना हो जाए, और ये पलटी हो गई। वेरी सैड टू सी दिस, भगवान रक्षा करे। जय बाबा भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय। होपफुली जियो जो इसके ड्राइवर वो सेफ हो, होपफुली होपफुली। आगे का जो नज़ारा काफ़ी सुंदर है, कितना अच्छा पुल बना है रोड क्रॉसिंग के लिए, और ये लोग रॉन्ग साइड से आते हुए, नहीं नहीं ये रोड क्रॉसिंग नहीं है, आई एम सॉरी, ये जी इसका है, रेलवे का है, ट्रेन के लिए क्या हुआ, क्या हुआ भाई, आह कैसे है, क्या हाल है, क्या नाम है आपका, नाम क्या हुआ आपका, नाम नाम पूछना है। देखे तो बोले थोड़ा रुकवाए, भेंट करे वैसे चाप रेट कम है, ये 180 जाता है, 180 जाता है। इंस्टाग्राम कहाँ है, तो भगा नहीं रहे, फ़ोटो ले लीजिए, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, घर के साथ में लेंगे। अभी हम अयोध्या जा रहे हैं राम मंदिर का दर्शन करने, ये वाला आइडिया मेरे को फॉलो कर लिया, मेरे को फ़ोटो भेज दीजिएगा, हाँ हम कर लेंगे पहुँच के, बस पहुँचने वाले 85। हाँ सियोर सियोर, आप ही एक रील बना लीजिए वहाँ से ऐसे करके, रील बनाना है बना लीजिए। ठीक है शुक्रिया भाई, आज का ब्लॉग देख लेना, आप लोग भी आ जाएंगे ब्लॉग में। हाँ विकास एंड विकास, मैं राहुल, हाँ जब भी आएंगे मिलेंगे। कहाँ से है आप लोग, मोनिया से। ये बाइक भी मेरे को एक समय बहुत पसंद था, R15 700046 0102 84। अभी टाइम नहीं है ना तो आपका बाइक चलाते, एक ज़माना में बहुत पसंद था ये गाड़ी। हाँ हाँ आ गया, हाँ आपका रील बना लेते हैं, बनाइए ना बनाइए, कैसे बनाना है, रील बनाएंगे हम लोग, गाना विकास के लिए, कौन अच्छा लगेगा, आप सिलेक्ट करिए ना, और मेरे को टैग मार दीजिएगा। हाँ नंबर का सेट कर लीजिए विकास भैया, हम इतना सारा सामान पहने हैं ना हम भैया, चाहे वैसा पता है झारखंड, झारखंड, हाँ झारखंड पता है, डेयरी के बगल में उधर विकास बिहार लिख लीजिए, जा रहा था। हम आपको फॉलो बैक जाके रूम में करेंगे, अभी बहुत थके, मेरा वेरीफाइड आईडी है। हाँ बोलिए, हाँ हम घर जाके ना आप लोगों का सब एक्सेप्ट कर लेंगे, अभी बहुत थके हैं, बना लीजिए ना। सासाराम ये है ना, पीछे पड़ गया। तो बॉयज़ ने मुझे बोला है भैया एक आपके साथ रील बनाना है बाइक के साथ, तो हमने बोला ओके जी बना लिया, तो ये लोग बना रहे हैं। तो वो लोग ने मुझे बोला आप ऐसे करो हम लोग रील बनाएंगे, तो बस जी वही। जा रहे भाई, जा रहे हम, हाँ झारखंड कहाँ से, झारखंड चाईबासा से।
ठीक है। यूट्यूबर है आप? हाँ यूट्यूबर है, ये मेरा चैनल है इसके मोटो प्लो। ठीक है अंकल, शुक्रिया। हाँ हाँ, ये वाला बाइक आएगा सेम टू सेम, इसको लिखिएगा, इसको मत छोड़िएगा। हाँ मेरा बाइक आएगा यही वाला। ज़्यादा दूर तो नहीं है ना सीघट? नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, इस इधर से बता रहा है, इसलिए 19 बता रहा है, लेकिन हाँ, सीधा पड़ेगा। हाँ ठीक है। वी हैव रीच्ड अस बनारस। अभी मुझे अस्सी घाट जाना है, वहाँ पे मेरा रूम है। और बनारस में आपको काफ़ी ज़्यादा गली मिलेगी। बनारस में पूड़ी और सब्जी बहुत ज़्यादा बहुत पसंद है सबको, फेमस भी है पूड़ी। और आपको पनीर मटर की सब्ज़ी मिलती है। दिस इज रामगढ़, रामनगर का किला और रामगढ़ किला। आप मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये वही किला है। काफ़ी अच्छा किला है जी, मैं अंदर गया हूँ। और ये किला के बैक साइड में आपको एक रास्ता मिलेगा जो कि सीधा गंगा नदी के पास जाता है। और आपको इस साइड दिख रहा होगा, किला भी दिख रहा होगा, और वो किला का दरवाज़ा यहाँ तक आता है, इसे रामनगर फोर्ट बोलते हैं। अरे यार, क्या ले जा रहा था। क्या हाल है भाई, कहाँ रखे, कहाँ खड़ा करें इसको, अंदर वहाँ रख दे। अच्छा बोले थे इससे अच्छा कार ले लेता बाबू, बॉयज ट्रैक मोड पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बॉयज मुझे दो बाइकर मिले थे, विश्वजीत और आपका नाम क्या बताया, संजय। ये लोग भी वाराणसी जा रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि नेपाल का रास्ता